गाइज, अगर आप भी अपनी फोटो को कुछ इस टाइप का एडिट करना चाहते हो पिक्सार टाइप का यूज करके, वो भी एक क्लिक में, तो आज की इस वीडियो को गाइज कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीजें बताया हूँ और शायद आपको यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिट करना सिखाने वाले हैं। देख पा रहे हो गाइज की देखने में फोटो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, आपकी भी फोटो ऐसी लग सकती है, आप भी अपना इतना मस्त फोटो एडिटिंग कर सकते हो अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। अब तो गाइस देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। एंड गाइस हमने इस फोटो को गैलरी के अंदर से ओपन कर लिया है। अब गाइस इस फोटो को आपको शेयर के आइकॉन पे क्लिक करके इस फोटो को आपको पिक्सार टैब के अंदर शेयर कर देना है, ठीक है। तो गाइस हमने फोटो को पिक्सार टैब के अंदर ओपन कर लिया। पिक्सार टैब के अंदर आने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम है हमारा फोटो को रिसाइज करना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपनी फोटो को सेव करेंगे तो उसकी क्वालिटी कम ना हो, मतलब जितनी हो उतनी रहे। अब गाइज आपको यहाँ टूल्स पे क्लिक करना है, रिसाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ 1080 है इसकी विड्थ, यहाँ पे हम डाल देंगे 6000। जैसे आप 6000 डालोगे यहाँ पे 2590 रिकमेंड आपको हो जाएगा, मतलब आपको जो अमाउंट रिकमेंड होगा आपको वही डालना है, वही डालना है। जैसे कि यहाँ पे 2590 रिकमेंड हुआ तो हम ये डाल देते हैं, ठीक है। आपको इससे कम या ज़्यादा रिकमेंड हो सकता है तो आपको वही डाल देना है, ठीक है। अब गाइज इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करना है, कॉन्ट्रास्ट को पहले बढ़ाना है। एंड यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे गाइज। एंड यहाँ पे सेचुरेशन मिल जाएगी जिसे हमको लगभग इतना बढ़ा लेना है, ठीक है। सेचुरेशन बढ़ा लेने के बाद हाइलाइट्स को आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। एंड यहाँ पे मिलेगी आपको शैडोज जिसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब गाइज आपको इस एडिट यहाँ पे इरेजर का एक ऑप्शन मिलेगा, इरेजर पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आपको इरेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हार्डनेस हम थोड़ा बढ़ा लेंगे फोटो को जूम करके, कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने स्क्रीन से इसको इरेस कर लेना है, ठीक है। तो गाइज देख पा रहे हो कि स्क्रीन से हम इसको इरेस कर रहे हैं, तो ये जो रेड कलर का इफेक्ट है वो जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके स्क्रीन पर इसका इफेक्ट ना रहे। याद रहे कि जो इफेक्ट हम चला रहे हैं वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड पे और क्लोथ्स पे होना चाहिए, ठीक है, ना कि हमारे स्किन पे, लाइक लेग पे और हैंड पे, फेस पे, इन सब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इस लेग से भी इसको इरेज कर लेते हैं। तो गाइस देख पा रहे हो कि ओवरऑल हमने इरेज कर लिया। एंड यहाँ से इसको डन करते हैं। ये देखो फोटो बिफोर में ऐसी थी एंड आफ्टर में ऐसी है, बाकी यहाँ से आपको सिंपल से डन कर लेना है, ओके। अब गाइस इतना काम खत्म हो जाएगा। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक ब्यूटी का ऑप्शन मिलेगा, ब्यूटी पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो स्मूथ वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसकी अमाउंट ना लगभग आपको इतना सेट कर लेना है, 17। अब देख पा रहे हो कि हमारा स्किन भी यहाँ पे स्मूथ हो गया, बाकी यहाँ से डन कर लेना है। अगर आपको अपना स्किन टोन चेंज करना है, लाइक अगर आपको फेयर स्किन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे फेयर स्किन रख सकते हो। ये देखो बिफोर, ये आफ्टर, तो आपकी स्किन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। इसकी अमाउंट हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड इतना जो है बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको इतना पे डन कर लेता हूँ, ओके। तो गाइस देख पा रहे हो कि हमारे स्किन का भी कलर चेंज हो गया एंड फोटो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। अभी बारी है इस फोटो में कलर ग्रेडिंग करने की। तो गाइस इस फोटो को यहाँ से आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कलर स्प्लैश का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर में, इसे आपको अपने स्क्रीन के सबसे डार्क साइड वाले एरिया पे लाकर ऐसे रख देना है, ठीक है। ऐसे रख देने के बाद ये जो मीन ह्यू आपको दिख रहा है, मीन ह्यू को पूरा आगे की तरफ आपको बढ़ा देना है, ठीक है। अब ये जो मैक्स ह्यू है इसे आपको कुछ इस तरीके से माइनस करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि हम जैसे माइनस कर रहे हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है आ रहा है। ये फोटो देखो बिफोर या आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो गाइस कुछ इस तरीके से इसको माइनस करना है, तो इस तरीके से आपकी फोटो में ब्लैक कलर का टोन जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से डन कर लेना है। अभी गाइज आप देख पा रहे हो कि कहीं कहीं पे रह गया, ये इफेक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको इस टूल्स पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे, एंड यहाँ से सेचुरेशन को कम कर लेना है, ठीक है। अब आपको इरेजर लेना है, इन्वर्ट कर लेना है। अब जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको चला देना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि वो एरिया जहाँ जहाँ पे छूटा है वो डीसेचुरेट हो जा रहा है ऑटोमेटिक से ही, ठीक है। तो ऐसे गाइज आपको जहाँ जहाँ पे छूट गया होगा वहाँ पे चला के आप बैकग्राउंड को ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी आपकी फ़ोटो में। तो गाइज हमारा इतना काम जो है फिनिश हो गया। अभी देख पा रहे हो कि फ़ोटो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है।
तो अब बारी है, देख पा रहे हो कि आगे थोड़ा सा रह गया है, तो आगे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको अगर हम ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइज अब आपको सिंपल से यहाँ से इसको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ लगभग इतना, एंड इसको डन कर लेना है। तो गाइज देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो में कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ गया, जिसके कारण पूरी फोटो जो है बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है देखने में। अभी गाइज आपको क्या करना है, अभी आपको स्क्रीन को वाइट करना है। तो इसके लिए गाइज सबसे पहले इस फोटो को हम ड्रॉ टूल के अंदर चल के करते हैं सेव। ड्रॉ टूल में आ गए, यहाँ से लेयर को मर्ज कर लेना है, यहाँ से अब थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके फोटो को सेव इमेज कर लेना है, ठीक है। ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो गई। अब इस फोटो को गाइज हम ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो हम लाइटरूम ऐप के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। अब गाइज इस फोटो को यहाँ शेयर करके ओपन कर लेना है, ऐड टू एलर कर लेना है, आपको लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा। ऑल फोटोज पे चलना है, एंड ये रही हमारी फोटो जो कि अभी हमने शेयर किया था, ठीक है। फोटो के अंदर आ जाने के बाद आपको यहाँ लाइट पे क्लिक करना है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ कलर वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ के टेम्प आपको मिलेगा, टेम्प आपको -4 कर लेना है। अब यहाँ से आपको मिक्स टूल के अंदर चलना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, एंड इसकी सेचुरेशन आपको कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ रेड कलर मिलेगा, इसे भी आपको सेचुरेशन थोड़ा सा कम कर लेना है। यहाँ पे येलो मिलेगा, इसका भी सेचुरेशन कम कर लेना है। अभी फोटो देखो बिफोर या आफ्टर, आप स्किन पे ध्यान देना गाइस, बिफोर या आफ्टर। देख पा रहे स्किन कितना फेयर हो गया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ आप चाहो तो इन दोनों की ल्यूमिनेंस भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर चलना है, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लगभग +6 हमने कर लिया। क्लैरिटी बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ चलना है डिटेल वाले टूल के अंदर, यहाँ शार्पनेस को भी आपको बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से। अब नॉइज़ रिडक्शन एंड यहाँ पे कलर नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है, इन दोनों को बढ़ा लेने हैं। तो गाइज अब आप ओवरऑल फोटो देखोगे बिफोर या आफ्टर, तो गाइज देख पा रहे हो कि हमारी फोटो कितनी मस्त तरीके से एडिट हो गई। अब जस्ट आपको इस शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस करना है, आपकी फोटो आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। फिर भी गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड रही बात बैकग्राउंड ब्लर करने की, तो बैकग्राउंड ब्लर करने के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख के अच्छे से सीख सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।